आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वार कोट को कैसे बनाते हैं, वार कोट का बॉडी क्या होता है, शेप क्या होता है, इसका आईटी क्या होता है, फ्रेम क्या होता है, और आप अपने वार कोट को जैसे चाहे वैसे लुक दे सकते हैं। अपना फोटो भी वार कोट में लगा सकते हैं, किसी का भी फोटो लगा सकते हैं, किसी का भी लोगो लगा सकते हैं। तो आप यकीन मानिए कि इतना शानदार और इतना तरीका से आपको शायद ही कोई यूट्यूब पे इतना डिटेल में बताया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, मगर मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्स में दिखाया हूँ कि किस तरीके से आप खुद से ही वार कोट को बनाएंगे। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। कि आप यकीन मानिए कि इतना डिटेल में और इतना शानदार तरीके से शायद ही कोई यूट्यूब पर आपको बताया होगा कि किस तरीके से वार कोट को बनाएंगे। तो इस वीडियो में आप कंप्लीटली जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है कि सर ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताइए जिससे हम बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से अपने वार कोट को डिजाइन करें और जिसमें बॉडी का लुक चेंज करें, आई की आई फ्रेम, इसके बाद बॉडी का शेप, मैं अपने तरीक़े से मैं उसको कैसे चेंज करूँ, ऐसा कोई बढ़िया सा एप्लीकेशन बताइए। तो मैं उसी के लिए यहाँ पे बहुत शानदार एप्लीकेशन ढूंढ के लेकर आया हूँ। इस एप्लीकेशन से आप बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से अपने वार कोट को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है वेबसाइट, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आके ओपन हो सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वार कोट बनाने के लिए। आप यकीन मानिए कि आपको पूरे यूट्यूब पे इस तरीके का वीडियो शायद ही कोई बताया होगा जितना शानदार तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वार कोट को जनरेट करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ये बॉडी है, इसका लुक मैं चेंज करूँगा, ये जो फ्रेम है इसका चेंज करूंगा, आई की चेंज करूंगा, और इसका जैसा भी लुक देना चाहते हैं वैसा लुक आप दे सकते हैं अपने मन पसंद से। तो ऐसा एप्लीकेशन को आपको शायद ही पूरे यूट्यूब पे कोई बताया होगा, जो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ से आप URL को वार कोड बना सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट भी बना सकते हैं, इसके अलावा ईमेल ID बना सकते हैं। यहाँ ईमेल ID डालेंगे, सब्जेक्ट और मैसेज डालेंगे, इसके बाद फ़ोन नंबर, SMS, विजुअल कार्ड, मर्चेंट कार्ड, यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन आ जाता है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वाईफाई, इवेंट और बिटकॉइन। तो इसमें से आप इतने सारे को आप जो है वार कोड बना सकते हैं और अपना मनपसंद से यहाँ पर आप वार कोड को डिजाइन कर सकते हैं। तो ऐसा एप्लीकेशन आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं देखने को मिला होगा और कोई भी इतने शानदार तरीके से नहीं समझाएगा जो मैं आपको अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखें कि जैसे आपके पास कोई URL है, जैसे आपको कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, तो उसका यहाँ पर जो URL डालेंगे और यहाँ से आप इसको जो है आप वार कोड में जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट का बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैसेज लिखेंगे तो ये यहाँ पर जो है वार कोड आपका जनरेट होगा। यहाँ पर ईमेल ID, फ़ोन नंबर और यहाँ पे SMS, अगर आप SMS करना चाहते हैं मोबाइल नंबर डालेंगे और मैसेज टाइपिंग करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, इस तरीके से अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मैसेज यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं बोल देता हूँ यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जैसे मैं यहाँ क्रिएट वार कोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपका वार कोड जो लिखे हुए हैं इसमें आपका हाइड हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे क्रिएट वार कोड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपका वार कोड बन चुका है और इसके अंदर जो है आप जो लिखे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, इसके अंदर आ चुका है। इस तरीके से आप कुछ भी मोबाइल नंबर भी आपका इसमें आ चुका है और यहाँ पे लिखे हुए हैप्पी बर्थडे टू यू वो भी, मतलब ये दोनों आपका इसमें हाइड हो चुका है, छुप चुका है। इस तरीके से यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ से सेट कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्लस वाले आइकन पे, और यहाँ से आप अपना जो है वार कोड को कोई भी कलर दे सकते हैं।
मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादातर देखते हुएगा वार कोड जो है वो ब्लैक में ही होता है, तो आप इसको ब्लैक में ही रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप अपना कलर वगैरह भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंगल कलर आ जाता है, इस तरीके से यहाँ पे कलर ग्रेडिएंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कलर ग्रेडिएंट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से अपना कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें से आप जो भी कलर रखना चाहते हैं इस तरीके से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप, यहाँ पे मैं इसको दूसरा कलर डाल देता हूँ रेड, और यहाँ पे मैं लेनियर वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए यहाँ लेनियर ग्रेडिएंट है, यहाँ पे आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, रेडियल ग्रेडिएंट भी कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे है कैड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से कस्टम आई की है, इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो आई की है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहीं से ही। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं रेड डाल देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर कोई भी कलर इसमें से चूज कर सकते हो, यहाँ पर ढेर सारा यहाँ पर कलर मिल जाता है, इसमें से आप कोई भी कलर इस तरीके से आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे है कॉपी फोरग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके इसके अंदर का जो भी लुक है वहाँ पर देखिए चेंज हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन इसके अंदर है, रेड है तो यहाँ पे बॉडी पे रेड आ चुका है। बैकग्राउंड भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये जो वार कोड है इसके जो बैकग्राउंड भी व्हाइट है इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं आप कोई भी कलर यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसके नीचे जो है बैकग्राउंड यहाँ पर देखिए चेंज हो चुका है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी लुक दे सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ पे है एड लोगो इमेज, इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से जो है इस पर कोई भी लोगो लगा सकते हैं, आप अपना खुद का पिक लगा सकते हैं, किसी का भी पिक लगा सकते हैं यहाँ अपलोड वाले इमेज पर क्लिक करके। इसके अलावा यहाँ पे इतने सारे जो आपको देख रखे हैं आइकन दे रखा है, ये भी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आपको खुद का इमेज इस पर लगाना है तो कैसे लगाएंगे। इसके लिए यहाँ अपलोड इमेज वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपका इमेज होगा आपको फाइल में से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए मेरा यहाँ इमेज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेरा लोगो यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट वार कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इमेज आपका यहाँ पे आ चुका है। सो इस तरीके से यहाँ पे किसी का भी इमेज है यहाँ पे आप ला सकते हैं यहाँ से अपलोड वाले पे क्लिक करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको नहीं रखूँ तो यहाँ से इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे दूसरा भी लगा सकते हैं। चलिए मैं इसे अपलोड वाले पे क्लिक करूँगा। क्लिक करके आपको इसमें से कोई भी पिक इस तरीके से चूज कर लेना है और यहाँ पे आपका इंसर्ट होगा और इसके बाद यहाँ पे जो है क्रिएट वार कोड पे क्लिक करेंगे तो वो पिक यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पिक आ चुका है। सो इस तरीके से यहाँ पे आप कोई भी पिक लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिमूव करके इसको हटा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है इसमें से कोई भी पिक आप इसमें से लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब वाले पे क्लिक करूँगा और इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है, आ चुका है यूट्यूब। यहाँ पे क्रिएट बार कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे यूट्यूब का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यूट्यूब का आ चुका है। सो इस तरीके से आप इसमें कोई भी इसमें से जो इमेज है लोगो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ इस बार जो डालते हैं यहाँ पे ट्विटर का, ट्विटर वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका ट्विटर आ चुका है। इस तरीके से यहाँ पे जो है क्रिएट बार कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्विटर का आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्विटर का आ चुका है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको है कस्टमाइज डिजाइन है, इस पर क्लिक करेंगे प्लस वाले आइकन पे। अब ये जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने वार कोड जो है इसको लुक चेंज करने का। तो यहाँ पे देखिए बॉडी शेप, मतलब ये जो पूरा ये जो है ये बॉडी है तो इसका शेप कैसे चेंज करेंगे आप इसमें से कोई भी आप लगा सकते हैं। आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइएगा या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जिस पे आपको पेड वर्जन मिलेगा और आपको खरीदना पड़ेगा आपको बॉडी का शेप चेंज करने के लिए, आई फ्रेम चेंज करने के लिए। और मैं आपको ये जो वेबसाइट बताया हूँ इस पे आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में आप अपने वार कोड के बॉडी को चेंज कर सकते हैं, आई फ्रेम शेप चेंज कर सकते हैं, आई बॉल शेप चेंज कर सकते हैं। इसमें सारे आपको फॉर्मेट आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है। तो आप सोचिए पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरीके से कोई भी नहीं बताया होगा किस कैसे आप अपने वार कोड को डिजाइन करेंगे। चलिए मैं बता देता हूं कि बॉडी का शेप कैसे चेंज करेंगे। तो इस पे बॉडी का शेप चेंज करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका सेलेक्ट हो चुका है और यहां पे इस पर आ जाएगा। जैसे इस पर आप क्रिएट वार कोड पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए आपका बॉडी का शेप यहां पे चेंज हो चुका है। सो इस तरीके से इसमें आप जिस पे क्लिक कीजिए सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से क्रिएट वार कोड पर क्लिक कीजिए, आपका बॉडी का शेप यहां पे चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आपको इसमें से जो भी रखना है इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट वार कोड पर क्लिक करेंगे,
यहाँ पे आपका बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आई फ्रेम शेप चेंज करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये जो आई फ्रेम है ये वाला जो है ये इसको आई फ्रेम बोला जाता है, तो इसमें से आप जो भी रखना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना। चलिए मैं इस ये वाला रखता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्रिएट बार कोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए आपका चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके करेंगे, यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आई बॉल शेप है, इस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको रखना है इसके आई बॉल जो बोला जाता है इसके बीच वाला जो पार्ट है ये वाला इसको आई बॉल बोला जाता है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट बार कोड पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर का आप जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कोई भी लुक दे सकते हैं। यहाँ पे बार कोड टेम्पल है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे और भी आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें से आप जो भी लगाना चाहते हैं, यहाँ टेम्पल दे रखा है इसमें से सेलेक्ट करके आप लगा सकते हैं, जो भी पे क्लिक कीजिएगा वो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लासिक है, ईजी है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, मंकी, यहाँ पे आपको ढेर सारा फॉर्मेट मिल जाता है, बिटकॉइन का भी मिल जाता है, जो भी आपको रखना है आपको सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे आपको ऐड हो जाएगा। चलिए मैं बिटकॉइन का ले लेता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो है आपका बिटकॉइन सेलेक्ट हो चुका है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। सो इस तरीके से आप बिटकॉइन भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको यहाँ पे देखिए कि लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी और ये मीडियम क्वालिटी है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारा फॉर्मेट मिल जाता है जिसमें आप बहुत ही आसानी से इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे PNG का ऑप्शन है, SVG का ऑप्शन है, PDF का ऑप्शन है और EPS का ऑप्शन है। चलिए हम सिंपली PNG में डाउनलोड करते हैं, तो इस वाले पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन डाउनलोड का आ जाएगा। यहाँ देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट है, जैसे ही ये प्रोसेसिंग खत्म होगा तो यहाँ पे आपका डाउनलोड आके डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आपका डाउनलोड हो चुका है। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए जो मैं बनाया था वो आपके सामने में यहाँ पे आ चुका है। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने बार कोड को डिजाइन कर सकते हैं, इसका बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं, आई बॉल, आई फ्रेम कुछ भी यहाँ से आप अपने हिसाब से बार कोड को जेनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए मैं इस बार दूसरा कुछ आपको बना के दिखा देता हूँ। इस बार मैं टेक्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मैसेज का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ SMS वाले का ऑप्शन था मैं आपको बताया था, इसमें से आप जो भी बनाना चाहते हैं इसमें से बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास वाईफाई हो तो इस तरीके से वाईफाई पे क्लिक करेंगे और इसमें अपना वाईफाई का जो भी पासवर्ड वगैरह है और जो भी नंबर है वो डाल के बना सकते हैं। अगर यूट्यूब का अगर लिंक वगैरह है तो यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाल के भी बना सकते हैं और किसी भी पर्सन के पास जो भेजिएगा तो वो डायरेक्ट जो बार कोड को स्कैन करके बहुत ही आसानी से आपको बार कोड पर क्लिक करके आपके साथ ज्वाइन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके ईमेल आईडी है तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और मैसेज लिखेंगे। चलिए हम इस बार ईमेल आईडी बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया हूँ, यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया हूँ और यहाँ मैसेज लिख दिया हूँ। सो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अपना ईमेल आईडी डालेंगे, सब्जेक्ट और मैसेज, और यहाँ पे है क्रिएट बार कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बार कोड जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका बार कोड जनरेट हो चुका है इस तरीके से। चलिए मैं इसको जो है बिटकॉइन में नहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इसको मैं सिंपल कर देता हूँ। सिंपल करने के लिए फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका है बार कोड टेम्पलेट इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लासिक है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो आपको पहले की तरह यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पहले की तरह हो चुका है। अब यहाँ से अपना कोई भी कलर डाल सकते हैं, तो यहाँ कलर वाले पे क्लिक करेंगे, इसमें से अपना कलर चूज कर लेंगे। तो इसमें से अपना कलर चूज कर लेंगे, यहाँ पे जो भी कलर रखना चाहते हैं इसमें से अपना कलर रख सकते हैं, जो मैं आपको पहले बताया हूँ। यहाँ बैकग्राउंड कलर भी आप रख सकते हैं, मगर मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है बार कोड को ब्लैक में ही रखें, क्योंकि आप देखते होइएगा जो बार कोड जो होता है ज़्यादातर आपको ब्लैक में ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रोफेशनल होता है। इसी तरीके से यहाँ पे अपना लोगो वगैरह डाल सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड लोगो पे इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना इमेज डाल सकते हैं। यहाँ पे इमेज वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा और यहाँ पे क्रिएट बारकोड पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप जो भी इसमें से रखना चाहते हैं वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं लोगो। मैं यहाँ पे इस बार व्हाट्सएप पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट बारकोड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपका व्हाट्सएप आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे कस्टम डिजाइन है, इस पर क्लिक करके आपको इसमें से अपना डिजाइन चेंज कर लेना है। चलिए मैं अपना जो है बार कोड है इसका डिजाइन चेंज कर लेता हूँ। इस तरीके से आप बॉडी शेप पे जिस भी क्लिक कीजिएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं इस बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्रिएट बार कोड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपका जो है बार कोड जो है इसका बॉडी का शेप जो है चेंज हो चुका है। यहाँ पे आई फ्रेम का शेप भी चेंज कर सकते हैं, मैं इस बार ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट बार कोड पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपका जो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है। सो इस तरीके से आप इसमें से जो भी लेना चाहते हैं इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे
क्रिएट बारकोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आई बॉल पे मैं सेव करके इस बार कोई दूसरा ले लेता हूँ, इस बार मैं ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट बारकोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो इसका बीच का है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप अपने हिसाब से या अपने मनपसंद से अपना बारकोड बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी रखना है इसमें से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे बारकोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और इसमें से आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसमें से जो भी चूज करिएगा वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और वो जो आप लिखे हुए हैं इस जितने हैं इसके अंदर आपका वो हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ क्योंकि हमको इसमें से कुछ नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा जैसे मैं आपको पहले दिखा रखा हूँ। यहाँ से मैं कट करूँगा। इसके अलावा जो है जितने में से जो है आप लिखे हुए हैं ऊपर में ये वाला मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी लिखे हैं इसके अंदर हाइड हो चुका है। चलिए यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा इसको PNG में और मैं आपको इसको स्कैन करके दिखाऊँगा कि जो भी आप लिखे हैं ये वाकई में इसके अंदर है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं डाउनलोड PNG पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपका डाउनलोड भी हो चुका है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते ही यहाँ पे देखिए आपका आ चुका है और जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर हाइड है। ये वाला जो अगर आप किसी पर्सन के पास भेजते हैं तो वो जो है इसको स्कैन करके बहुत ही आसानी तरीके से इसमें जो आप हाइड किए हुए हैं उसको बहुत ही आसानी से उसको आप वो पर्सन जो है जिसको भेजिएगा वो उसको रीड कर लेगा। सो गाइस इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप अपने मनपसंद से बारकोड बना सकते हैं। अब मैं चलिए इसको मैं आपको स्कैन करके बताता हूँ कि इसमें आप जो लिखे हुए हैं वो है या नहीं है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल पर और मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन से स्कैन करके बताऊँगा कि इसके अंदर क्या हाइड है। तो चलते हैं हम मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। यहाँ मैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वार कोड रीडर है। ये वाला एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत ही फास्ट और बहुत ही पावरफुल ये एप्लीकेशन है। इससे आप बहुत ही आसानी से वार कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर चलता हूँ। यहाँ पर मैं चला लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पर देखिए मेरा सही से इसको रखा भी नहीं तो इसको ये डिटेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए कि मैं जो लिख रखा था वार कोड में, मैं अपना ईमेल आईडी और हेलो और यहाँ पे हेलो गाइज कहाँ हो तो ये यहाँ पे मैं लिख रखा था वो देखिए यहाँ पे स्कैन कर चुका है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना फास्ट ये स्कैन किया है। ये बहुत ही अच्छा बहुत ही पावरफुल ये एप्लीकेशन है जिसको आप एक बार यूज कीजिएगा तो आपको लगेगा वाकई में ये जो है बहुत ही शानदार और बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। गाइज यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से आप किसी को शेयर कर सकते हैं। यहाँ शेयर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्हाट्सअप ईमो आपको ढेर सारा फॉर्मेट मिल जाता है जिस पे आप बहुत ही आसानी से अपने जो वार कोड है किसी भी पर्सन को यहाँ से सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है कि आप इसको ऐड कॉन्टैक्ट पर जाकर इसको ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर ईमेल आईडी पे भी इसको भेज सकते हैं। तो यहाँ से आपको 3 तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसको अपने वार कोड को आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम वार कोड को बनाएंगे और उसको कैसे स्कैन करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम वार कोड को बनाएंगे, उसका बॉडी क्या होता है, शेप क्या होता है, आई फ्रेम क्या होता है, आई की क्या होता है और जैसा चाहे वैसा लुक दे सकते हैं, अपना पिक लगा सकते हैं, किसी का भी पिक लगा सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं। तो शायद ही आपको ऐसा एप्लीकेशन कहीं YouTube पे देखने को मिला होगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।